One, two, three, start. Hi you guys, welcome back to my channel, The Amiable Soul. I'm Shivani. So guys, अभी Amazon पे बहुत ज्यादा अच्छी वाली सेल चल रही है जस्ट बिकॉज ऑफ दिवाली. तो मैं हूँ बहुत बड़ी वाली ऑक्सीडाइज ज्वेलरी लवर, तो मैंने वहां से कुछ ऑक्सीडाइज एयरिंग्स मंगवाए हैं जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ. मैं कुछ दिनों से देख रही थी सोशल मीडिया पर कि एवरी अदर यूट्यूबर्स के पास ये ज्वेलरीज थी एंड इंस्टाग्राम पे भी हर कोई इसके साथ फोटोज डाल रहा था और ये ज्वेलरीज मुझे बहुत ज्यादा आई कैचिंग लग रही थी. तो मैंने इन्हें अमेजोन पे सर्च किया एंड अमेजोन पे बहुत अच्छी डील चल रही थी, तो दैट्स वाई मैंने कुछ एयरिंग्स अपने लिए वहां से पिक किए हैं. सो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं. अगर आप लोगों को भी एयरिंग्स चाहिए होंगे तो आप लोग भी वहां से खरीद सकते हैं. एंड वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज कि अमेजोन की जितने भी प्राइस रेंज है वो हमेशा ही फ्लक्चुएट करते रहते हैं. कभी आपको कोई चीज बहुत ज्यादा प्राइस में मिल जाएगी एंड कभी उसका प्राइस एकदम डाउन हो जाता है, तो ये चीज आप ध्यान में रखना. एंड या विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो माई फर्स्ट परचेज फ्रॉम Amazon इज दिस मिरर वाला झुमका. ये झुमका आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है. इवन मिरर वाली ज्वेलरीज बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रही है आजकल. एंड ये झुमका मतलब सबसे अच्छी बात इसमें क्या है ना, एक तो ये दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर है और दूसरा कि ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट झुमका है. मैंने इसको कितनी देर से पहन रखा है एंड मैंने इसे कल भी पहना था किसी फंक्शन पर एंड तब भी मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैंने कान में कुछ पहन रखा है. सबसे अच्छी बात पता है ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज में यही देखनी चाहिए कि वो बहुत ज्यादा लाइट वेट हो, क्योंकि आप उसको पहन के चले जाओ और फिर बाद में आप उसको कान को लेकर पकड़कर रोते रहो तो वैसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. तो इसलिए ये झुमका मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, एकदम लाइट वेट है. डोंट थिंक सो कि इसमें कोई वेट भी है. बहुत बहुत ज्यादा अच्छा इयररिंग है ये एंड मैंने इसको आई गेस 299 में लिया है. जो भी प्राइस होगा मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, तो आप लोग देख लेना एंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो माई सेकेंड परचेज इज दिस ब्यूटिफुल लेयर वाली ज्वेलरी. ये बहुत ज्यादा सुंदर इयररिंग्स है. आप लोग देख सकते हो 1, 2, 3 लेयर्स के बाद आपको नीचे छोटी छोटी झुमकियाज मिल जाती हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रिटी लगती है पहनने के बाद. एंड ये डबल टोन में है, गोल्डन एंड सिल्वर. तो कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं होने वाली, कोई भी वांदा नहीं होने वाला कि आप इसे गोल्डन के साथ ड्रेस के साथ पेयर करो या सिल्वर के साथ पेयर करो, ये दोनों में चल जाएंगी. एंड आई लाइक इट सो मच. मेरी फ्रेंड है पूनम जिसको इस तरह के गोल्डन एंड सिल्वर कलर के टोन में मतलब डबल टोन में उसको ज्वेलरीज बहुत ज्यादा पसंद है और उसने मुझे सजेस्ट किया था कि मैं एक बार ऐसी कोई ज्वेलरी ट्राई करके देखूं. सो दैट्स व्हाई आई पिक दिस अप एंड आई रियली लाइक इट. एंड इसका प्राइस भी 299 एंड 300 के समथिंग था एंड दिस इज ऑल्सो लाइट वेट ज्वेलरी. मतलब जितना ये भारी आपको दिख रहा है ना अभी, उतना भारी ये बिल्कुल भी नहीं है पहनने के बाद. ये बहुत ज्यादा लाइट वेट ज्वेलरी है एंड एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा सुंदर भी है. सो माई थर्ड फेवरेट इयररिंग फ्रॉम Amazon इज दिस वन. आई एम डैम श्योर कि आप लोगों ने इयररिंग्स देखे होंगे. अगर आप लोग Instagram चलाते हो तो आपने 101% ये इयररिंग्स देखे होंगे. अनीता हसन दानी ने ये इयररिंग्स डाले थे, उसके बाद से ये इयररिंग्स बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ गए. नीचे आपको गणेश जी मिल जाएंगे एंड साथ में आर्टिफिशियल कुंदन का वर्क है, ऊपर त्रिशूल है जो कि बहुत ज्यादा सुंदर लगता है पहनने के बाद. एंड नीचे पर्ल का वर्क है एंड ये भी बहुत ज्यादा लाइट वेट है. सबसे अच्छी बात मुझे Amazon सभी ज्वेलरीज में ये लगे कि ये बहुत बहुत ज्यादा लाइट वेट है. आप इसे कैसे भी कैरी कर सकते हो. इवन आप लोग कॉलेज, अगर आप कॉलेज जाते हो तो आप एक सिंपल कुर्ती के साथ इसको डाल लो एंड यू गुड टू गो. और अगर आप किसी पार्टीज में जा रहे हो या छोटे मोटे फंक्शंस में जा रहे हो तो आप कोई भी अच्छा सा फैंसी कुर्ता डालकर उसके ऊपर इसे ये पहन सकते हो एंड अच्छा सा मेकअप कर लो. मतलब पूछो ही मत. दैट्स व्हाई आई लव ऑक्सीडाइज ज्वेलरी. तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मिरर ज्वेलरी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, सो दैट्स व्हाई आई हैव अनदर वन एंड आई लव दिस झुमका. आप लोग देख सकते हो कि ये कितने ज्यादा सुंदर है. ऊपर आपको मिरर वाला वर्क मिल जाएगा, मिरर लगा हुआ है. नीचे कुंदन का काम है एंड पर्ल हैंग कर रखे हैं जो कि बहुत ज्यादा सुंदर है. और ये इतने लाइट वेट है ना, कितने ज्यादा मतलब लाइट वेट है ना, ये मन करता है कि मैं इनको डेली में पहनकर घूमूं. एंड जितने भी झुमकास मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये सारे अंडर 300 रुपीज ही हैं. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आपको इजी रहे खरीदने में. एंड आई रियली रियली जेन्युइनली लव दीज ऑल द झुमकास.
सो नेक्स्ट अप इज दिस इयररिंग्स. दिस इज सो प्रिटी ना, कितने ज्यादा सुंदर है. अगर आप लोग बड़े बड़े इयररिंग्स पहनने में कंफर्टेबल हो तो प्लीज इनको जाकर खरीदो, ये बहुत ज्यादा सुंदर है. नहीं पर मेरे पास अभी एक और बचा है जो लास्ट है, वो इससे भी ज्यादा सुंदर है, वो भी देखना आप. आई थिंक वो मैंने पहन के शायद कोई वीडियो डाल दी है तो शायद आप लोगों ने वो देख भी लिया होगा. बट ये भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. एक सिंपल कुर्ती, सिंपल कॉटन की कुर्ती के साथ अगर आप इसको डाल लो, मतलब बॉम अवतार लगेगा, मतलब बहुत ही ज्यादा सुंदर है. एंड इसमें भी नीचे पर्ल्स हैंग कर रखे हैं, कुंदन का काम दे रखा है, आर्टिफिशियल कुंदन का, जो कि इसे एट द सेम टाइम फैंसी भी बनाते हैं. आप किसी पार्टी में भी इसको डाल सकते हो, वेडिंग फंक्शन में भी इवन आप इसको कैरी कर सकते हो. सो या लास्ट फेवरेट इयररिंग इज दिस वन, है ना कितने सुंदर. ये इयररिंग्स आप लोगों ने मुझे शायद मैंने किसी प्रीवियस वीडियो में ये पहने भी थे. ये इयररिंग्स अमेजोन से है गाइज. एंड इसमें भी ना मतलब सारी तरफ मिरर का डिटेलिंग है एंड नीचे पर्ल्स दिए हुए हैं. पहनने के बाद ये बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं. और अमेजोन का ना मुझे सबसे अच्छा बात क्या लगा कि सारे इयररिंग्स ना आपको इस तरह के डब्बे में मिले, जिससे आप लोग ना इसको ना मतलब रखना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है. ये किसी और इयररिंग्स के साथ जाके अड़ेंगे नहीं, टूटने का डर नहीं रहता. आप इसे सेपरेटली कैरी कर सकते हो, सेपरेटली रख सकते हो अपने वार्डरोब में. मतलब एक ज्यादा एक ना ऑर्गेनाइज वार्डरोब लगता है जस्ट बिकॉज ऑफ अमेजोन का डब्बा. सो या दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो गाइज. होप यू गाइज लाइक माय वीडियो. इफ यू डिड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड जो भी मैंने ज्वेलरीज आप लोगों को दिखाई है उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. तो मेक श्योर कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो. एंड या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.